तेरा पंच धर्म संघ के एकादशम अधिष्ठाता युग प्रधान आचार्य श्री महासुमन जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, मुख्य मुनि प्रवर के श्री चरणों में वंदन, सभी विराजित चारित्रात्माओं के श्री चरणों में वंदन, धर्म प्रेमी बंधुओं एवं भगिनियों, आज दुग्गल परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि उनके परम आराध्य, उनके पारिवारिक सांसारिक रिश्ते के आधार पर उनके परिवार के किसी के अग्रज, किसी के दादा और किसी के अनुज आज का पदार्पण ओबेरॉय गार्डन में हुआ है। वैसे तो पहले ओमकार में आपका पदार्पण हुआ था और सूरजकरण जी के दो पुत्र हैं कमल जी और नरेश जी, तो कमल जी के वहाँ तो आपका पदार्पण हो चुका था। आज स्वर्गीय नरेश जी के यहाँ पर आपका पदार्पण हुआ है और दुगड़पुर के आप गौरव हैं और आपसे ही दुगड़पुर की पहचान है। तो हम गुरुदेव, बार बार मेरे मन में एक ही बात आ रही है कि काश आपका मुंबई प्रवेश के समय रूट इस प्रकार बनता कि यहाँ पधारना पहले हो जाता और नरेश स्वयं आपका स्वागत करता, पर लगता है नियति को यह मंजूर नहीं था। नरेश के मन में आपको पधारने का बहुत उत्साह था। इस बार उसने आप श्री को और कई साधु साध्वियों को निवेदन भी किया था कि चतुर्मास के बाद मेरे घर जरूर पधारना। आचार्य प्रवर, आपने तो बहुत कृपा की, आप पधार गए, किंतु निवेदन करने वाला व्यक्ति स्वयं ही यहाँ से कहीं और चला गया। वह हमेशा हमेशा के लिए हमारी आंखों से ओझल हो गया, किंतु गुरुदेव आपकी दिव्य दृष्टि उस दिव्य रूप को आज यहाँ जरूर देख रही होगी। आज नरेश जरूर अपने दिव्य स्वरूप में आपकी सेवा उपासना कर ही रहा होगा। आचार्य प्रवर, इस बार दुग्गल परिवार को एक वज्रदान हुआ है, किंतु साथ ही में यह शुभ योग भी था कि इस विकट परिस्थिति में हमें आपकी सन्निधि प्राप्त हुई। आपने हम लोगों को बहुत संभाला, बहुत संभल दिया, बहुत सेवा करवाई, और कितनी बड़ी बात थी कि आपने यह फरमाया उस वक्त संभव होगा तो मैं भी दर्शन देने के लिए संतों के साथ को साथ लेकर वहां पहुंचने का सोच सकता हूं। आचार्य प्रवर, आपकी कृपा के सामने हम सब नतमस्तक है, आपके उपकारों से हम कभी पूर्ण नहीं हो सकते। साध्वी सुमति प्रभा जी और साध्वी चरित्र निशा जी ने भी हमें बहुत सेवा करवाई, धैर्य बनाया। आज मैं अपने भाई नरेश की ओर से, धृति निधि और पूरे परिवार की ओर से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। अभिनय दो गुरुदेव के पौत्र होते हैं श्री चिन्मय कमल दुग्गल, निवेदन चिन्मय। बंदे, चातुर्मास से पहले मैंने आपका अपने घर ओंकार टावर में स्वागत किया था। आज मैं अपने नरेश साधु के घर ब्रज मंडल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज नरेश साधु इधर होते तो शायद फैमिली कंप्लीट लगती, मगर आज आप यहाँ पर है तो आपके स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हमें कंप्लीट बनाए, केवल ज्ञान दिलाए और ऐसी भावना हमारे मन में रखते हुए आपका अग्रज मंडल में स्वागत करता हूँ। ओम नमः। जन्म हुआ तो गए
मेरा नम्र निवेदन साथी श्री सुमति प्रभाजी से मुख्य मनु प्रवर साधी वरियाजी आदरणीय साधु साधी के उपस्थित परिसों कहे हम संसार पक्ष में 11 भाई और 4 बहने होते थे। उनमें से 3 भाई इस संसार से अलविदा हो गए। अब 8 भाई हैं और वे 8ों इस गुजरात और महाराष्ट्र में रहते हैं। इस बार आचार्य प्रवर ने बहुत बड़ी कृपा की, उन 8ों ही भाइयों के निवास स्थान के आसपास पधार कर और वहां कुछ समय विराज कर उन्हें सेवा उपासना का दुर्लभ अवसर प्रदान किया। आज आप मेरे उस संसार पक्षीय भाई के घर पधारे हैं जिसने आज से ठीक 3 माह पहले 2 सितंबर को नंदनवन में आज दिन उसने अपने 37वें जन्मदिन पर मंगल पाठ सुनाया और सिर्फ 1 दिन बाद ही वह इसी घर से हमेशा के लिए प्रस्थान कर गया। गुरुदेव, उस भयंकर दुखद घड़ी में सूरज करण जी ने जो हिम्मत दृढ़ता और मनोबल का परिचय दिया वह लोगों के लिए एक उदाहरण हो सकता है। अभी सुजानवर जी आए हुए थे, उन्होंने भी मुझे एक दिन कहा कि मैं सोचो को नहीं हो कि सुरजो इतनी हिम्मत रख ले, वो नरेश के बारे में कोई बात ही नहीं करे। गुरुदेव, मुझे लगता है इस हिम्मत का, इस दृढ़ता का, मनोबल का राज है आपकी किस्तरी में। आपने इतना सहारा दिया, इतना संबल दिया कि इनकी आंखों में हमने कभी पानी नहीं देखा। सूरज करण जी बहुत शांत स्वभाव है, इनको हमने कभी ऊंची आवाज में नहीं सुना, बहुत सरल बहुत सहज है। दुबर परिवार के यहाँ मुंबई में कई सदस्य रहते हैं, कई परिवार रहते हैं, किंतु सबके मुंह से हमने इनके बारे में हमेशा प्रशंसा भी सुनी। संभवतः ऐसा कभी नहीं हुआ होगा कि इन्होंने कभी किसी को कोई काम के लिए कहा हो और उसने मना किया। इन्होंने सबको बहुत वात्सल्य दिया देते हैं, बहुत स्नेह देते हैं, कोई इनकी बात को टाल नहीं सकता, हमें कैसा अनुभव हुआ। तो आज आप अपने से जस्ट बड़े भाई श्री सूरज करण जी के घर अथवा जो कहूं कि नरेश के घर पधारे हैं। जैसा कि अभी कमल ने बताया कि चातुर्मासिक प्रवेश से पहले यदि यहाँ पधारना हो जाता तो नरेश को भी यह अवसर मिल जाता, किंतु नियति को यह मंजूर नहीं था। चतुर्मास के दौरान ही एक अनहोनी घटना घट गई है। अब इस दुबर परिवार को और विशेष रूप से निधि जीती और पूरे परिवार को आप ऐसा पाठ्य प्रदान करें कि इनके जीवन में धर्म का ग्राफ बढ़ता रहे और संघ और संघपति के प्रति श्रद्धा और समर्पण का ग्राफ भी निरंतर बढ़ता रहे। मुंबई की चकाचौंध भी धार्मिकता का रस घोलने वाले अध्यात्म के शिखर पुरुष को नमन। यंत्रों की दुनिया में मंत्रों को प्रतिष्ठित करने वाले 13 पंथ के एकादशम अधिशास्ता को नमन। भोग की रंगरलियों को योग से रंगने वाले महातपस्वी महायशस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी को नमन। कल जब मैं ओबेरॉय स्प्लेंडर में प्रवेश कर रही थी तब चतुर्मास से पूर्व का एक सीन मेरे आंखों के सामने से मानो ओझल ही नहीं हो रहा था। चतुर्मास के पूर्व मैं और मेरे साथ मोक्ष प्रभा जी जब यहाँ पर आए थे तब निधि खिति और अन्य परिवार जनों के साथ नरेश हमें सामने लेने आया था और बड़ी ही उत्साह के साथ वो हमें अपने घर ले गया था। कल अन्य सदस्य तो मौजूद थे मगर नरेश कहीं नजर नहीं आ रहा था। जब निधि से बात हुई तब वो कह रही थी कि नरेश के मन में इतने सपने और इतने आइडियाज थे कि वो हमें कहता था कि आचार्य जब पधारेंगे तब हमें यहाँ पर इस तरह खड़े रहना है, हमें चतुर्मास का पूर्ण लाभ उठाना है, जितना हो सके धार्मिकता से अपने आप को रखना है। और फिर निधि ने मुझसे
उत्तर दिया कि देखो अच्छा है ना कि आचार्य ट्रेवल अगर चातुर्मास की बात पधारेंगे तो बारिश की भी कोई चीज चिंता नहीं रहेगी, नहीं तो बारिश आ जाएगी तो आचार्य ट्रेवल का पधारना नहीं होगा, काय की भी हिंसा नहीं होगी, आचार्य ट्रेवल जनरली काय को लांघा नहीं करते हैं तो उसका भी कोई हमें अवरोध नहीं आएगा, अंतराय नहीं आएगी। बड़ी ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस से वह निधि से बात करता। आज नरेश की कमी सभी को महसूस हो रही है। दुबल परिवार के मन में एक ओर जहां नरेश की गैर मौजूदगी का दुख है तो दूसरी ओर धंधे आपके यहां पर विराजित होने का हर्ष की लहर भी उनके मन में दौड़ रही है और इस सुख और दुख के प्रवाह में आपकी समिधि अति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ये तो सभी जानते हैं कि शायद नरेश का खोना नियति में लिखा हुआ था, परंतु इस दर्द भरे दौर से इस पूरे परिवार का उबर पाना, घर में विशेष आर्त ध्यान का माहौल न रहना और धार्मिकता का प्रवाह बने रहना आपसी और आपसी के धार्मिक परिवार की वजह से ही मुमकिन हो पाया है। जब मेरी सुरक्षा से बात हुई थी तब उन्होंने कहा कि देखो नरेश के जाने के बाद आचार्य प्रवर ने संदेश में एक लाइन लिखी कि चाहे तो हम भी संतों के साथ दर्शन देने आ सकते हैं। नरेश के जाने के बाद जब पहली बार मैंने आचार्य प्रवर के दर्शन किए तो आचार्य प्रवर स्वयं संतों के साथ दरवाजे तक मेरे सामने पधारे और अपने हस्त कमल से मेरे बाह पर हाथ रखकर मुझे संबल प्रदान करते हुए अपने साथ अपने कक्ष की ओर मुझे ले गए। और फिर जब जब मैंने कहा तब तक तुम्हारी मम्मी और निधि को विशेष सेवा कराई। एक आचार्य होने के नाते वो इससे ज्यादा और क्या कर सकते थे। भंडे उन्होंने आगे ये भी कहा कि उन्होंने सिर्फ एक भाई होने का कर्तव्य ही नहीं एक आध्यात्मिक गुरु होने का कर्तव्य भी बखूबी निभाया है। उन्होंने एक भाई और आध्यात्मिक गुरु दोनों का रोल बखूबी अदा किया है। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और प्राउड फील करती हूँ ऐसे करुणाशील गुरु की शिष्या होने का। आपकी कृपा इसी तरह इस परिवार पर बरसती रहे इसी भावना के साथ। परम पावन परम पुज्य आचार्य ग्रंथ के श्री चरणों का भक्ति वर्णन आचार्य का मुख्यम साथ उपस्थित दुर्लभ परिवार। आदमी इस दुनिया में आता है, जन्म लेता है और एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। जन्म और मृत्यु यह तो हर व्यक्ति का एक जैसा क्रम है, परंतु इसके बीच का जो समय है जीवन, यह महत्वपूर्ण बात है कि व्यक्ति जीवन कैसा जीता है। सूरजकरण जी दुग्गल के पुत्र नरेश दुग्गल आज परम पूज्य आचार्य कर का उनके घर में पादार्पण, उनके बिल्डिंग के आसपास पादार्पण हुआ है। नरेश जो कि एक ऐसा युवक था जिनके बारे में सुना कि वह सत्यनिष्ठ ईमानदार व्यक्ति था और इसके मन में बहुत बड़ा उत्साह था कि गुरुदेव चतुर्मास के बाद हमारे घर पधारेंगे। मुझे भी उसने निवेदन किया था। जब मैं कमल के घर गई थी, कमल का घर 33 फ्लोर पर था, 33वें माले पर था, तो मैंने कहा यहाँ पर तो मैं नहीं आ सकती हूँ। तब नरेश ने कहा कि आप हमारे घर पर पधारना क्योंकि मेरा तो 9 माले पर ही है। मैंने कहा 9 पर तो मैं आराम से आ सकती हूँ और उसकी भावना को देख कर ही मैंने ये निर्णय लिया कि मुझे जाना है। नरेश को नहीं रहा लेकिन उसकी भावना को आदर देते हुए मैं आ गई। नरेश के परिवार धृति और निधि आचार्य कर घटना तो घटित होना ही था, परंतु यह बहुत महत्वपूर्ण बात रही कि परम पूज्य आचार्य कर का चतुर्मास नहीं था और यह परिवार वालों के लिए बहुत अच्छी बात हो गई कि परम पूज्य आचार्य कर के यहाँ रहने से परिवार को बहुत बड़ा संबल मिला है और साथ में सुमति प्रभाजी मास्टर जी और चारित्री प्रभाजी मास्टर जी, इन दोनों के रहने से भी परिवार को बहुत
संबल मिला है। मैं इस परिवार के प्रति यही मंगल कामना करती हूँ, ये धार्मिक क्षेत्र में और आगे बढ़ता रहे। और निधि से यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें हिम्मत रखना है और अपनी बेटी का भी इस प्रकार निर्माण करना है कि ये आगे इसी प्रकार धार्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ती रहे, आध्यात्मिक क्षेत्र में आगे बढ़ती रहे। इन कामों के साथ अब मेरा विनम्र निवेदन मुख्यमंत्री प्रवर से परम पावन परम सिद्ध आचार्य प्रवर के श्री चरणों में सभक्ति वंदना आदरणीय संधिवर्या जी साधु साधु से बंधुओं धरना झूमर मल जी दुगड़ के परिवार का एक बहुत बड़ा गौरव का स्थान है कि उनके कुल का सपूत आज 53 धर्म संघ के 11वें आसन को सुशोभित कर रहा है। आज परम पूज्य श्री की सन्निधि में दुगड़ परिवार तो उपस्थित है, और भी कॉलोनी के कई परिवार लोग उपस्थित हैं। तो ये ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने अपने स्व कल्याण के साथ पर कल्याण को अपना लक्ष्य बनाया। आज से लगभग 50 वर्ष पूर्व गुरुदेव का दीक्षा कल्याण महोत्सव वर्ष भी चल रहा है 50वां वर्ष। परम पूज्य आचार्य श्री महासवन जी सरदार शहर से संन्यास्त हुए थे, और संन्यास लेने के बाद जो परम पूज्य श्री की स्व कल्याण से और पर कल्याण की यात्रा प्रारंभ हुई वह आज भी अनवरत निरंतर गतिशील है। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रवण जी ने 55,000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा अब तक संपन्न कर ली है, और उसमें वह यात्रा भी सिर्फ यात्रा नहीं, स्व कल्याण तो जुड़ा हुआ है, पर कल्याण के लिए यात्रा करना अपने आप में महत्वपूर्ण है। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने इस संयम यात्रा के दौरान लगभग 8 वर्ष की अहिंसा यात्रा भी की, जिसमें 18,000 किलोमीटर की पदयात्रा में हिंदुस्तान के 20 से ज़्यादा राज्यों में परम पूज्य गुरुदेव ने सद्भावना, नैतिकता और नशा मुक्ति की प्रेरणा दी। परम पूज्य श्री की प्रेरणा से अब तक लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त बन चुके हैं। तो 1 करोड़ से ज्यादा लोग नशा मुक्त बन चुके हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव का ऐसा महान व्यक्तित्व है जिसमें पवित्रता ही पवित्रता झलकती है। जिस किसी दृष्टि से देखें भीतर में पवित्रता, बाहर पवित्रता, तो ऐसे पवित्र पुरुष को अपने आंगन में पाकर आज दुगड़ परिवार भी हर्षित है। परम पूज्य श्री का यहाँ आगमन दुगल परिवार के लिए हर्ष का विषय भी है, और साथ में उनके लिए एक संबल देने वाला भी परम पूज्य श्री का सानिध्य है कि जो घटना घटित हुई उस संदर्भ में जैसी अनेक लोगों ने चर्चा की, तो वो व्यक्ति स्वयं विद्यमान नहीं है, किंतु परम पूज्य गुरुदेव का आना उनके लिए भी एक, अगर वे यहाँ उपस्थित हो किसी रूप में, तो उनके लिए भी खुशी का विषय हो सकता है, किंतु परिवार के लिए तो आज एक आनंद का विषय है ही। पूरा परिवार परम पूज्य गुरुदेव से एक संबल भी प्राप्त करे, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का यहाँ मुंबई का चतुर्मास दुगड़ परिवार के लिए ऐसी विकट स्थिति में बहुत बड़ा संबल का कारण रहा है। तो आज ही परम पूज्य श्री का कुछ संबल भी मिले, और भी लोग उपस्थित हैं उन्हें भी गुरुदेव का मंगल पाठन मिले। मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। साध्वी जी संत आपके साथ में पधारे, मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुरुदेव ये ओबराय स्प्लेंडर इस सोसाइटी का नाम है। यहाँ पर करीब करीब 1500 प्लेट है, और उसके अंदर हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। मेरे को यहाँ रहते करीब करीब 5 साल हो गए। मैंने कभी यहाँ किसी से झगड़ा होता करते ऐसा कहीं भी नहीं देखा। बहुत सामंजस्य से रहते हैं, सहनशीलता भी बहुत है। यहाँ पर करीब 60-70 परिवार जैन लोग हैं, और 5 या 6 परिवार तेरापंथी भी होंगे। मेरे साथ में हम लोग वॉकिंग करते हैं, उनका भी हमारा ग्रुप है, रोज मिलते हैं। आपके नाम से ये मेरे ये लोग रेस्पेक्ट सिर्फ इसलिए करते हैं कि मैं आपका संसार पक्षी है भाई, अब इनको पता चलता है। और मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि मेरे व्यवहार में भी आपके प्रति किसी के मन में गलत भावना नहीं है। मैं मेरा व्यवहार भी वैसे ही बना के रखता हूँ। अब मेरा आपसे
विनम्र निवेदन है कि यहाँ पधारे हुए लोगों को कुछ आप प्रेरणा पाते कर रहे हैं। ओम अरहम। खणम जाना ही पंडित, शास्त्र में कहा गया है कि हे पंडित तुम क्षण को जानो, अवसर को जानो। आदमी समय को पहचाने कि समय का कितना महत्व होता है। समय ऐसे फ्री मिलने वाला तत्व है, पर है बहुत महत्वपूर्ण। थोड़े समय में आदमी इतने शुद्ध भावों में जा सकता है कि आत्मा बहुत उन्नत हो जाए, और थोड़े समय में इतने अशुभ भावों में आदमी जा सकता है कि वह नरक में जाने के लायक बन जाए। तो समय का बढ़िया उपयोग करना यह आदमी का ज्यादा से ज्यादा यथासंभव प्रयास होना चाहिए। आदमी किस जाति का है इसका इतना महत्व नहीं, उस आदमी का विचार और आचार कैसा है इसका अधिक महत्व होता है। सद विचार और सदाचार, विचार आदमी के अच्छे हो, उदार हो, भले हो, नेक हो, और आचार भी आदमी का भला हो, अच्छा हो। किसी का बहुत उपकार हम नहीं भी कर सके तो फालतू किसी का बुरा तो न करे, अपकार तो न करे। तो यह एक सुंदर विचार है कि किसी का भला कर सके तो ठीक है, आध्यात्मिक भला कर सके तो, वरना बुरा हमारे द्वारा फालतू किसी का न हो जाए। तो यह अहिंसा का चिंतन है। संस्कृत में कहा गया कि श्रूयताम धर्म सर्वस्व, श्रुत्वा चैवाव धार्यताम, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरे। कि धर्म का एक सर्वस्व है, सार है कि जो अपने लिए प्रतिकूल है वो दूसरों के लिए भी हमें काम में नहीं लेना चाहिए। कि जैसे तुम्हें कोई गाली दे बुरा लगता है, तुम भी किसी को गाली मत दो। तुम्हें कोई मारे पीटे कष्ट होता है तो तुम भी किसी को मत मारो। तुम्हारा कोई अपमान कर दे तुम्हें बुरा लगता है तो तुम भी किसी का अपमान मत करो। यह आय तुले पयासु, आत्मतुला, प्राणियों में आत्मतुला। जैसे मुझे सुख प्रिय है तो और प्राणियों को भी सुख प्रिय है, मुझे दुख अप्रिय है तो और प्राणियों को भी दुख अप्रिय है। तो मैं किसी को व्यर्थ दुख देने का प्रयास नहीं करूं। यह एक बहुत अच्छा चिंतन है कि प्राणियों के प्रति सत्वेषु मैत्री, प्राणियों के प्रति मेरे मन में मैत्री का भाव रहे। तो सबके साथ मैत्री, सबके प्रति मिट्टी में सब भूवेषु, सभी प्राणियों के साथ मेरा मैत्री भाव रहे। वेरम मध्य न के नहीं, किसी के साथ किसी के प्रति मेरे मन में वैर भाव न आए। तो यह संदेश धर्म का संदेश है और हमें धर्म का रास्ता मिला है, पर मुझे बचपन में ही यह धर्म का पंथ प्राप्त हो गया। श्री हुकमचंद जी झुमरमल जी जोगड़ महरी वाला परिवार में, यह उनका परिवार है, सुरतगढ़ जी उन उसी परिवार से है, और श्री झुमरमल जी जोगड़ महरी वाला उनके हम लोग संसार पक्ष की बात, सारी बात के संसार पक्ष के संदर्भ में है। छह भाई थे और अब वैसे चार हैं, दो का प्रयाण हो गया, देहावसान हो गया। चार भाई हैं और उनमें सूरजकर्ण जी मेरे से ठीक बड़े हैं, मेरे से एकदम ठीक बड़े। सूरजकर्ण जी करीब 2 वर्ष मेरे से क्यों बड़े हैं, और श्रीचंद मेरे से ठीक छोटा है।
तो हम लोग थोड़े समान स्तर के से थे, यानी सूरजगढ़ जी, केसरी चंद जी, मैं, श्रीचंद, हम चारों दो भतीजे मान लिया तो छह, हम छह समान स्तर के से थे, साथ में रहना करना घर में समान रूप के से थे। तो मुझे वो धर्म का रास्ता मिल गया, मेरा बड़ा ही सौभाग्य मानता हूँ कि जिस परिवार में पुरुषों में ज्यादा कोई धर्म का रुझान इतना ज्यादा नहीं था, ऐसी स्थिति में मुझे, यानी पुरुषों में मुझे इतना बड़ा संपर्क धर्म का मिला, और इसमें संसार पक्षीय माता जी का भी निमित्त मान ले, उनके योग से धर्म का इतना संपर्क मिला, और यह एक बहुत बढ़िया शुद्ध पथ, निर्मल पथ प्राप्त हुआ। ताकि तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार ही अनुमानित हो रहे हैं कि वरना सूरज जी क्यों नहीं आए, मैं क्यों आया, ये पिछले जन्म का कोई संस्कार अनुमानित हो रहा है, कोई पिछले जन्म में कोई ऐसा संस्कार रहा होगा, वो संस्कार अब कुछ जागृत हो गया, और यह साधु संस्था का योग और साधु संस्था में प्रविष्ट होने का मौका मिला। इसलिए मेरा इस परिवार से तो बहुत थोड़ा संपर्क रहा, करीब 12 वर्षों का रहा, बाद में मेरा इस परिवार से, हमारा धर्मला परिवार है, इस करीब 50 वर्षों से, 50 वर्ष करीब हो रहे हैं, 50 हो गए लगभग, इस परिवार में जीवन बीत रहा है, तो इस परिवार से तो थोड़ा संपर्क रहा, पर मूल का संपर्क यहाँ से रहा, जन्म का और का सारा दो संपर्क यहाँ का रहा, फिर हमारा साधु संस्था से संपर्क हो गया, यानी उसी में सदस्यता हो गई, उसी में रहना, उसी में जीवन जीने का क्रम बन गया। और बाद में सुमती प्रभा जी तो मेरी शिक्षा के बाद में जन्मी हुई है, मेरी शिक्षा के बाद में इसका जन्म हुआ था सुमती प्रभा का, तो वो सन 1975 में 75 में हुआ था, दीक्षा 74 में हुई, उसके लगभग 1.5 साल करीब बाद में सुनीता नाम चाहिए तो और ही बात, ललिता जैसे और ही मेरी दीक्षा के बहुत ही बाद में, बहुत ही 10 साल बाद हुआ है। तो ये हमारे संसार पक्षी दोनों भतीजियां हैं, सुदाम्बर जी दुगर की बेटी सुमती प्रभा जी, सूरजगढ़ जी की चारित्र्य साथ जी हैं, और इनकी दीक्षा भी थोड़ी दोरी मतलब थोड़ी कई कुछ समय बाद में ऐसे दीक्षा हुई है, तो फिर भी दो हमारे संसार पक्षी भतीजियां हैं, बाकी तो हमारी और साथियां सब हमारे सब जो एक में भी है, संसार पक्ष की बात करें तो दो भतीजियां है, बाकी शांति बढ़िया और कई वर्षों से ज्यादा सान्निध्य निकट में रहती रह गई है, तो ये संसार पक्ष की बात है भतीजियों की, बाकी सभी हमारी साथियां हमारे संतियां। तो हाँ, देवमणि ये सुरजीबाई वे संसार पक्ष के बहन के पोते हो गए, दो छह भाई दो बहने रत्नीबाई बली बहन उनसे छोटे सुरजीबाई हैं, ये सुरजीबाई का देवमणि देव कुमार है, तो बाद में यह भी अभी कुछ समय पहले यानी सिरियारी में अभी 1 साल करीब अब होने वाला है, 6 दिन करीब बाकी है, एक देव कुमार का, विशाल यश है वो मोतीलाल जी दुगर के वो दौती के रूप में, ये इनका ननियाल, इनके दुगर बीमारी में ननियाल है, मतलब ननियाल मतलब वो ननियाल क्या इनके मतलब इनका ननियाल ही होगा, मोतीलाल जी की दौती है, मोतीलाल जी की दौती है, मोतीलाल जी हुकम सिंह जी के सगे भाई, छोटे भाई थे, सगे भाई थे, तीन भाई हुकम सिंह जी, जगरूपल जी, मोतीलाल जी, ये तीन ही भाई थे हुकम सिंह, तो ये वो मोतीलाल जी की सभी दोषी होती है तो वो दुगर परिवार से हो जाती है। तो इस बार ये हमारा 72 मुंबई में आना हुआ, और
चतुर्मासी ने कहा कि छह भाइयों के तुम्हारे छह भाइयों के पहले हो गए संसार पक्षी हैं, सबसे पहले किसके वहां जाना हुआ? सबसे किसके सबसे पहले? नहीं हम सबसे पहले बाकी में कौन ललित के सबसे पहले ललित और सुरेंद्र ललित मान ले ललित वो कठिन उनके मतलब सुरेंद्र अच्छा नंबर चार में अच्छा बाद अंकल नरेंद्र के साथ साथी में मिलाकर या मतलब कुल जगह दशे भक्ति करें उसकी आना हुआ गुजरात महाराष्ट्र तो तो आज यहाँ साफ सुथरी और यहाँ का व्यवहार और मेंटेन यहाँ का
परिंदा भी पर नहीं मार सकता सिक्योरिटी को बिना पूछे, मतलब इतना सिस्टमेटिक काम है ना। और एक बार गेट पर बोल दिया या कमेटी वालों को बोल दिया, इधर पवन जी शर्मा सब जाति के लोग रहते हैं, किसी को ऑब्जेक्शन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बहुत मेल भाव से जितने भी आचार्य आए थे आप ही खाली बाकी बाकी और जैन धर्मों के भी आचार्य इधर आए आचार्य आए भी आए कई आचार्य आ गए आज आपका आना। खूब अच्छा रहे, खूब सोसाइटी में भी धार्मिकता की वृद्धि रहे, परिवार में भी खूब अच्छा रहे। अब सुरेंद्रचरण जी की तरफ से निवेदन या आतिथ्य स्वीकार करके जाएं, और फिर मेरा विनम्र निवेदन पूज्यवर से मंगल पाठ करें।
हंते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि सामं शरणं प्रपद्यामि जयन्ति पुण्यतम शरणं प्रपद्यामि विघ्न करण विघ्न करण स्वामी सुहृदिं च पदन्तं सीयन सिद्धं सभासदं च
विमल मनंतम चर्जनम धम्मम संकित च मंदाम पंथम अलम च मंत्रम वंदे मुनिकम भजम मुनिकम च मंदाम हित नेमि वासम तदोत्तमम च एवं मरे अनुकुवा विभुजरय मदा अजीन जर मरमा चौकी समुखी जन मरा सजरामे पसी नमति कृत्तीय वंदीय मरे देवे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्य गोषि राम समाधि मर अनुत्तमम तंदेशु निम्मलयरा आयिच्चेश्वर्यं प्रयासयरा सागरवरकनुजीरा Vendedor.